नमस्कार दोस्तों, जिस तरह मनुष्य की कुंडली में नव ग्रहों का महत्व है, उसी तरह कुंडली में मौजूद ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए रत्नों को बहुत खास माना गया है। लेकिन बता दें कि रत्न को लेकर बहुत सी जरूरी बातें हैं जो हर किसी को जान लेना चाहिए कि रत्न लॉकेट में धारण करना चाहिए या अंगूठी में, क्या दूसरों का पहना रत्न पहनना चाहिए या नहीं, रत्न का टूटना कैसा होता है, रत्न का खो जाना या मिलना क्या संकेत देता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको रत्न से जुड़ी ये सभी जानकारी देंगे, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस चीज में धारण करना शुभ माना जाता है, लॉकेट में या अंगूठी में। शास्त्रों की माने तो रत्नों को अंगूठी के रूप में उंगलियों में धारण करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रत्न की अंगूठी उंगली की त्वचा को हर समय स्पर्श करती रहती है, जिससे आपको रत्न का शुभ फल अधिक प्राप्त होता है। वहीं यदि ये रत्न लॉकेट के रूप में धारण करें तो इसका उतना अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। गले में हमेशा भगवान का लॉकेट या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आगे जानते हैं कि क्या दूसरों के पहने रत्न धारण करने चाहिए या नहीं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरों के हाथ से उतरा हुआ रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव उस रत्न में अवशोषित हो चुके होते हैं। ऐसे में दूसरों का रत्न धारण करने से आपके जीवन में कष्ट आते हैं। चलिए अब जानते हैं रत्न का टूटना और उसमें दरार आना शुभ होता है या अशुभ। बता दें कि यदि आपने कोई रत्न पहना है और वे टूट गया है या फिर उसमें दरार आ गई है तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको उपाय के तौर पर ग्रह शांति करवानी चाहिए। ग्रह शांति यानी कि सूर्य के मंत्रों का 10,000 जप, मंगल के मंत्रों का 10,000 जप, बुध के मंत्रों का 9,000 जप, गुरु के मंत्रों का 16,000 जप, शुक्र के मंत्रों का 16,000 जप, शनि के मंत्रों का 23,000 जप और राहु केतु के मंत्रों का 18,000 जप की संख्या करानी चाहिए। इससे आपके जीवन पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। तो वहीं अगर रत्न खो जाए तो इसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है। रत्न खोने का मतलब है आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो रत्न के गायब होने पर टल गई है। इतना ही नहीं, अगर आपका रत्न खो गया है तो समझ जाइए कि ग्रह दोष दूर हो गया है। इसके अलावा रत्न का मिलना इसे अशुभ माना गया है। किसी के रत्न का मिलना मतलब इससे दूसरे के ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, रत्न से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।